दोस्तों अभी तो ये सिलिकॉन रबर का मोल्ड तो तैयार हो गया, अभी इसके ऊपर अपने को बनाना है रेजिन का मोल्ड। तो उसके लिए मैंने पट्टी लगा के रखा है, शाडू मिट्टी का पूरा बाउंड्री बना के ले लिए, पार्ट दो पार्ट बनाया है। अभी इसके ऊपर रेजिन का मटेरियल डालेंगे और इसको मोल्ड बनाएंगे ताकि वो सिलिकॉन रबर के लिए सपोर्ट रहेगा। तो चलो बनाते हैं फटाफट। तो ये देखिए, ये जो खाँचा बना है ना, ये आपका जो ऊपर का जो मोल्ड होता है सिलिकॉन का, वो बराबर फिट बैठे, इधर उधर ना हिले, इसलिए ये खाँचा बनाया है मिट्टी के अंदर ही। तो रेजिन का मोल्ड बनाने के लिए अपने को लगेगा, ये रेजिन लगेगा, ये देखो, ये तो रेजिन मैं लेता हूँ अभी। इतना रीजन लिया है, इसको बाजू में रख के उसके बाद कोबाल्ट लगेगा। तो कोबाल्ट इसी तरह का होता है कोबाल्ट, देखिए। अभी इसके अंदर ये ढक्कन के हिसाब से एक ढक्कन डाला, दो ढक्कन, बस यानी 10% डाला मैंने। दस परसेंट इसलिए डाला, इसमें रेजिन ज़्यादा लिया है मैंने, अगर आप कम लेते हैं तो कम डालो। तो अभी इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो देखो अभी इसका कलर चेंज होने लगा है, कोबाल्ट इसके अंदर इसलिए डालते हैं कि ये हार्डनेस पैदा करता है, मोल्ड को हार्ड करता है, एकदम मजबूत करता है, कड़क करता है। तो हार्डनेस पैदा करने के लिए कोबाल्ट डालते हैं, जितना आप डालेंगे उतना वो ज़्यादा कड़क हार्ड बनता जाएगा, ठीक है। अभी ये बन गया है पूरा, वे छोटे बर्तन में अपन थोड़ा इसमें थोड़ा सा लेंगे, ज़्यादा नहीं, वो जल्दी सूखता है इसलिए थोड़ा कम लेंगे। बस इतना ही लेंगे, इतना लिया है। जब भी आप कभी भी ध्यान में रख, जब आप केवल रेजिन का मोल्ड बनाएंगे इसके ऊपर, तो इसके अंदर फ्रेंचक पाउडर नहीं आएगा, केवल रेजिन और कोबाल्ट आएगा और हार्डनर आएगा, ये ध्यान में रखिए। अभी इसके अंदर थोड़ा हार्डनर डालता हूँ, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करो, ये जल्दी सूख जाएगा इसलिए फटाफट इसको मिक्स करके लगाना पड़ता है। हो गया,
ब्रश ब्रश से लगाएंगे इसको। दोस्तों इसके ऊपर अभी पहला कोट हो गया, दूसरा भी मार दिया और तीसरा भी मार दिया। पहला कोट तो दिखाया आपको, दूसरा और तीसरा नहीं दिखाया। वो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए दूसरा और तीसरा कोट नहीं आपको दिखाया। क्योंकि अभी इसके ऊपर चौथा कोट आएगा, उसके पहले इसको ज़मीन पर सुलाया है मूर्ति को, और उसके ऊपर चौथा कोट लगेगा। तो और चौथा कोट लगने के बाद उसके ऊपर फाइबर मैट लगेगा, इसलिए इसको ज़मीन पे सुलाया है। दोस्तों ये अभी चौथी बार लगाने जा रहा हूँ। पहले तीन कोट मार दिया, अभी ये चौथी बार है। जितना ज़्यादा मारेंगे उतना रेजिन का कोट मजबूत होता है और रेजिन डाई अच्छी होती है, मोल्ड अच्छा बनता है। तो ये अभी चौथी बार मारेंगे, उसके बाद मैट लगाएंगे इसके ऊपर। दोस्तों ये है रेजिन सीट, ये जिसको अपन रेजिन मैट बोलते हैं। तो ये मैट फाइबर का होता है
और अभी मैं इसको छोटे छोटे टुकड़े काट के बाजू में रखूँगा। ये छोटे टुकड़े इसलिए काटते हैं कि बड़ा टुकड़ा लगाने से वो वेस्टेज होता है, तो अपने को छोटा साइज़ का टुकड़ा काटने के बाद अपने को जहाँ लगाना है वहाँ अपन एडजस्ट करके लगा सकते हैं। फाइबर मैट दो टाइप का आता है, एक पतला वाला आता है, एक जाड़ा वाला आता है, और ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसकी क्वालिटी अलग अलग टाइप की होती है। दोस्तों चार परत चढ़ाने के बाद अभी इसके ऊपर फाइबर मैट लगाएंगे। ये देखिए, ये ऐसा लगा के लेंगे। फाइबर मैट के छोटे छोटे टुकड़े करने से ये फ़ायदा होता है कि आप एडजस्ट करके कहीं भी लगा सकते हैं। दोस्तों अभी फाइबर मैट तो लगा के पूरा हो गया, ये देख लीजिए। इसको चारों तरफ ढक लिए मैट से, कई जगह छोड़ी नहीं है, ऐसा ही लगा के लेने का।
दोस्तों एक साइड का मोल्ड तैयार हो गया है अभी, जिन का एक साइड का मोल्ड पूरा तैयार हो गया है। अभी पीछे वाला बनाएंगे, इसके पीछे वाला बनाएंगे, सेम यही प्रोसीजर। पहले चार हाथ मार के लेंगे, चार परत चढ़ाएंगे, उसके बाद मैट लगाएंगे और उसके बाद ऊपर दो हाथ और मारेंगे, तो दोनों तरफ का पूरा तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये एक्स्ट्रा मैट है, इसको ऐसे चाकू से काट लेने का, कटर से काट लो और साफ कर दो, बाद में कानस से उसको घीच दो, पूरा लेवल कर दो ताकि हाथ को न लगे, हाथ कटे ना, इसलिए उसको घीच के साफ करने का कानस से। अभी पीछे के साइड में जो मिट्टी है बॉर्डर बनाने के लिए ले आया था, लगाया था, उसको निकाल देंगे ताकि अपना जो मोल्ड है रेजिन मोल्ड वो क्लियर हो जाए और पीछे के साइड से अपन दूसरा मोल्ड शुरू करेंगे बनाने के लिए। दोस्तों वैक्स लगाने का यही फ़ायदा होता है कि मिट्टी चिपकती नहीं, एकदम छोड़ देती है। देखो दोस्तों एक साइड तो पूरा हो गया, देखो ऐसा दिखता है, ये रेजिन का है खाली, इसमें फ्रेंचअप पाउडर नहीं है, रेजिन कोबाल्ट और हार्डनर ये तीनों का मिश्रण से बनाया हुआ है। तो एक बाजू पूरा हो गया, अभी दूसरा बाजू इस साइड में पूरा कर देंगे, वैसा ही सेम प्रोसीजर। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो वैक्स लगा के लेते हैं। दोस्तों अगर वैक्स बहुत ही गाढ़ा हो गया है तो उसको पतला करने के लिए उसके अंदर थोड़ा थिनर मिक्स कर दो, थिनर मिक्स करने से थोड़ा पतला हो जाता है, ये बहुत ही गाढ़ा हो गया है मक्खन, तो इसको पतला करने के लिए थिनर डाल दो, अपने आप पतला हो जाएगा। Thank you.
दोस्तों रेजिन का चार परत चढ़ाने के बाद अभी ये मैट चढ़ा रहा हूँ। देखो दोस्तों अभी दोनों साइड हो गए हैं। इसी तरह आप स्टपिंग करके ये मैट के ऊपर ये रेजिन आप मार सकते हैं। अब ब्रश ऐसा घुमाने का नहीं, खाली ऐसा स्टपिंग करके ऐसा थप 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 करके इसको रेजिन आप मैट के ऊपर दबाने का। जितना आप ब्रश दबाएंगे उतना मैट बैठता जाएगा, ऐसा घुमाने का नहीं। घुमाने के बाद वो निकल जाएगा, मैट जितना भी है वो निकल जाएगा। तो उसको ऐसा ऊपर से ऐसा ब्रश थप थप करके दबाने का, तो ये अपने आप रेजिन अंदर घुसता है और अंदर के बॉडी को पकड़ता है और एकदम फिट बैठ जाता है। तो दोस्तों दोनों साइड का मोल्ड अपना तैयार हो गया है रेजिन का। तो इसको बाद में खोलेंगे, ज़रा सूखने के बाद इसको खोल देंगे और देखेंगे अपना मैट का और रेजिन का मोल्ड कैसा बना है। तो चलो तो दोस्तों ये अपना मोल्ड तैयार है, रेजिन का मोल्ड तैयार है। अभी इसको अपन खोलेंगे और देखेंगे कैसा बना है। तो चलो खोलते हैं इसको ज़रा ज़ोर लगा के। ये देखिए अपना रेजिन का मोल्ड एकदम तैयार है और परफेक्ट आया। ये देखिए एकदम मजबूत है। अभी इसके पीछे वाला भी खोलेंगे। ये देखिए दोस्त ये भी पूरा परफेक्ट आया है, पीछे भी और आगे भी दोनों एकदम तैयार है। तो ये देखो अभी इसको मैं जोड़ता हूँ वापिस। ये देखो एकदम परफेक्ट जुड़ गया, अंदर से भी ये पूरा कटिंग परफेक्ट आ गया है और ये इधर भी जुड़ा बराबर है। तो ये अपना रेजिन का मोल्ड एकदम मजबूत और हल्का एकदम तैयार है। भगवान शिव का, आदियोगी शिव का मोल्ड अपना ये रेजिन का तैयार है। तो दोस्तों अभी इसको इस सिलिकॉन मोल्ड को अपन खोलते हैं और उसके अंदर रबर मोल्ड डालते हैं, देखते हैं अपना रबर मोल्ड कितना परफेक्ट बैठता है। ये देखिए इसके अंदर परफेक्ट बैठ गया और ये ऊपर से आएगा। ये देखिए
ये देखिए एकदम परफेक्ट, इस तरह आपका इधर चिमटा लगाएंगे, जब आप मूर्ति बनाएंगे तो इधर चिमटा लगाया, इधर चिमटा लगाने के बाद ये ऐसा गिरेगा नहीं, मतलब फिट हो जाएगा। तो ये अपना एकदम फिट हो गया और परफेक्ट हो गया। तो दोस्तों वीडियो यही ख़त्म कर देते हैं, और आप भी ऐसे बना दो घर में, ट्राई करो, आप भी बना सकते हैं। थोड़ा मेहनत करेंगे, ट्राई करेंगे तो ज़रूर बनेगा। तो वीडियो यहाँ ही ख़त्म कर दें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो धन्यवाद।